हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आपके कॉम्पिटिटर से कीवर्ड को चुराया जाता है, मतलब कि आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से कैसे आप कीवर्ड विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर एक्सट्रैक्ट करके उसको आप कीवर्ड को टारगेट करके आपका पोस्ट लिख सकते हैं। बहुत ही क्विक वीडियो होने वाला है गाइस, तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि कौन कौन है जो ये कीवर्ड के टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये टेक्निक्स नई नहीं है गाइस, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आपको अगर सारे कीवर्ड रिसर्च के वीडियोस चाहिए गाइस तो मेक श्योर आप कीवर्ड रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है उसमें गो थ्रू करें, आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव टिप मिलेंगे। चलिए गाइस, चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे शुरुआत करते हैं वन बाय वन। गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे जैसे जिस चीज को भी नहीं पता गाइस, मैं बता दूं कि एक्चुअली अगर आप bloggingwords.com पे आके आपकी नेम और ईमेल आईडी देते हैं तो आपको 9 डेज तक फ्री ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग की पीडीएफ्स में सेंड करता हूं। ना ही वही बल्कि आप लोग जितने भी क्वेरीज मुझसे पूछते हैं सबके आंसर्स भी मैं बाय ईमेल लोगों को ऑन एन एवरेज 1 time in a week फॉरवर्ड करता हूं। सो अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एनरोल कीजिए। चलिए गाइस, जो आज हम टूल यूज करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे गाइस, वो है सेमरश। और मैंने इसको क्यों चूज किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रीवियस कुछ सेमरश के वीडियोस जहां पे मैंने बात किया था कीवर्ड गैप एनालिसिस से कैसे कॉम्पिटिटर को सर्च किया जाता है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है और वो है सेमरश का 14 डेज फ्री ट्रायल। बहुत सारे लोगों ने ट्रायल एक्टिवेट किया है, सो मैं चाहता हूं कि वो 14 डेज के अंदर वो सेमरश के टूल का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि आपके पास आने वाले 2-3 महीनों के लिए कीवर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाए। 14 डेज फ्री ट्रायल के लिए गाइस आपको इस पोस्ट में आना है या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली एक को पार्टनर पेज पे आता है और यहां से जब भी आप साइन अप करेंगे यू विल गेट 14 डेज फ्री ट्रायल। क्रेडिट कार्ड आपका लगेगा, कोई भी अमाउंट नहीं कटेगा, $1 आपका इनिशियल वेरिफिकेशन अमाउंट कटेगा जो कि विद इन 5 or 10 मिनट आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं चाहते इस टूल को यूज करना तो 14 डेज से पहले ही कैंसलेशन का रिक्वेस्ट डाल दें, अदरवाइज $100 पर मंथ कट जाएगा। तो ये 14 डेज का एक्सक्लूसिव लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप पोस्ट से भी ले सकते हैं। चले गाइस, चलते हैं अभी पॉइंट पे और वो है कैसे इस कीवर्ड एनालिसिस को किया जाता है। सो गाइस, बेसिकली आप देख सकते हैं मैं हूं सेमरश के डैशबोर्ड के अंदर और जो हम यहां पे सेमरश का एक पर्टिकुलर टूल यूज करेंगे गाइस वो है डोमेन ओवरव्यू। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री का वो कीवर्ड निकालना है जिसपे आपका ब्लॉग ओरिएंटेड है। जैसे कि मैं बताता हूं मेरी soundproofidea.com की साइट के लिए मैं कैसे कर सकता हूं। What I will do is, आपको गूगल पे जाना गाइस और आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालिए। मतलब हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट के कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना है, वो वेबसाइट जो एक्चुअली आपके नीच में कॉम्पिटिटिव है या फिर आप ही की तरह कंटेंट लिखती है या आप ही की ओरिएंटेड या आप ही की कॉपी टाइप की वेबसाइट है। तो गाइस, उस केस के अंदर सबसे बेस्ट तरीका है आपको गूगल के अंदर जाना है। जैसे मेरी साउंड प्रूफ है तो मैं क्या करूंगा, हमेशा हाउ टू टाइप के कीवर्ड टाइप कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में एक्चुअली जेन्युइन साइट्स आती है, ना कि कोई ई कॉमर्स साइट आ जाती है, राइट? तो हम क्या करेंगे गाइज, यहां पर टाइप करेंगे हाउ टू साउंड प्रूफ, और जैसे कि आपको बहुत सारे सजेशन यहाँ पे गूगल पे ऑटोमेटिक आते हैं, तो समझ लीजिए कि ये पहला वाला है हाउ टू साउंड प्रूफ अ बेडरूम इन एन अपार्टमेंट। जैसे गाइज आप इसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली गूगल आपको वो सारे सजेशन देखा, डेफिनेटली वही साइट्स रैंकिंग करेगी जो आफी की इंडस्ट्री में या आफी की नीच से रिलेटेड है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर साइट है, तो इसमें सबसे पहले जो फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हुआ है, चलिए हम इसी को उठाते हैं, इसको ओपन करते हैं न्यू विंडो के अंदर इस पोस्ट को। साइट का नाम है गाइज, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। मैं क्या करूंगा, इसके होम पेज पे जाऊंगा, होम पेज पे जाने के बाद इसका यूआरएल उठाऊंगा। मतलब क्या किया मैंने, मेरे कॉम्पिटिटर का एक यूआरएल उठाया और अब मैं चेक करूंगा कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, तो वहां से मुझे अच्छे खासे कीवर्ड सजेशंस मिलेंगे। मैंने मेरे कॉम्पिटिटर का डोमेन उठाया, सेमरश के अंदर गया गाइस डोमेन ओवरव्यू में, इसको टाइप किया और सिंपली सर्च। ये क्या करेगा, मेरे कॉम्पिटिटर की कंप्लीट वेबसाइट का एनालिसिस देगा सेमरश, उसके कितने कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसका डीए क्या है, उसका पीए क्या है, ये सारी चीजें। ओके, ये यहां से मुझे आइडिया मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर के अराउंड 58,000 कीवर्ड है जिसपे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप इस पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली उसके ऑर्गेनिक रिसर्च पे चले जाते हैं। मतलब ये वो कीवर्ड है जहां पर मेरे कॉम्पिटिटर को गूगल से ट्रैफिक आ रहा है, मैं चाहता हूं यहां से मुझे अच्छे खासे सजेशन मिल जाए। देख सकते गाइस यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड है जिसका लिस्ट मुझे मिल गया है, करीब 19,000। अभी सारे कीवर्ड के थ्रू जाना तो बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, कुछ फिल्टर्स लगाएंगे गाइस। तो जो बेसिक फिल्टर होता है गाइस, जिसको आपको लगाना है गाइस, वो है यहाँ पे वॉल्यूम में आके आप सेट कर दीजिए कि वो कीवर्ड जिनका मंथली वॉल्यूम एटलीस्ट 100 हो, 100 से लेके ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन मंथली वैल्यू 100 हो।
जैसे इसको आप अप्लाई करेंगे गाइस तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर बहुत सारे कीवर्ड के सजेशंस करीब करीब 4000 हो गए। अभी हमें क्या करना है एज अ बिगिनर, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया ऑल टाइम टारगेट अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, मतलब ऐसे कीवर्ड जहां पे तीन और तीन से ज्यादा वर्ड का कॉम्बिनेशन हो, तो वो एक स्पेसिफिक और टारगेटेड क्वेरीज होगी। इसके लिए हम गाइस हम जाएंगे एडवांस फिल्टर के अंदर, यहां पर कीवर्ड के अंदर आएंगे और यहां पर वर्ड काउंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड काउंट, यहां पर ये करेंगे वर्ड काउंट ओके। इसके बाद इक्वल और इक्वल नहीं हम लगाएंगे ग्रेटर देन, या फिर इक्वल आप कुछ भी चाहे ग्रेटर देन लगा सकते हैं। तो थ्री मतलब तीन और तीन से ज्यादा हमारे पास कीवर्ड के कॉम्बिनेशन आया तो वो दिखाओ। तो हम जैसे अप्लाई करेंगे गाइस तो अर्लियर हमारे पास 4000 सजेशंस थे, अभी ये सजेशंस थोड़े ड्रिल डाउन हो जाएंगे और अभी हमें नए सजेशंस यहां पर सैमरस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस अभी हमें मिल रहे हैं करीब करीब 2246 कीवर्ड, और ये वो कीवर्ड है जिनके नंबर ऑफ वर्ड्स की जो काउंट है वो मोर देन 3 है, और वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से प्लस है। गाइस आप चाहे तो यहां पे कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज यहां पे कीवर्ड डिफिकल्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी यहां पे एक सजेशंस होता है बाकी सभी ऐसी टूल की तरह, लेकिन हमें क्या करना है कि इसको मैन्युअली वेरीफाई करना है। तो जैसे मैंने इसको फिल्टर मारा गाइस तो यहां पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी आइडियली सैमरस कहता है कि 39% से नीचे बहुत ही इजी होता है, 39-60% के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको वो कीवर्ड मीडियम डिफिकल्टी का मिलेगा। तो बिगिनर आप मेरे हिसाब से 40-50% का अगर फिल्टर लगाना चाहें तो यहां से लगा सकते हैं, कीवर्ड में आने के बाद यहां पे केडी लगाएं और कीवर्ड डिफिकल्टी को आप 50% से नीचे रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम क्या करेंगे यहां से आइडिया निकालेंगे, उस आइडिया को यूज करके गूगल से पूछेंगे कि भाई इसका कीवर्ड टारगेट करने के लायक है या नहीं है। अभी आप देख सकते हैं गाइस हमारे पास इतने सारे कीवर्ड के कॉम्बिनेशंस मिल चुके हैं, अभी इसमें से आपको जो भी चाहे वो आप पुल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर बहुत सारे कीवर्ड है कहने को, तो जैसे कि नॉइस ब्लॉकिंग विंडो फिल, ये कीवर्ड है जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम 480 के आसपास है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 50 है, मतलब मीडियम के आसपास है, सीपीसी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमें यहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अभी हम क्या करेंगे गाइस यहां पर ये जो कुछ कीवर्ड्स है उसको गूगल में डालेंगे और गूगल से पूछेंगे कि भाई इसको टारगेट करना बनता है कि नहीं। चलिए तो ये कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम है 170 के आसपास, ये कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम है 110 के आसपास, मैं क्या करूंगा गाइस चलिए इसको एक पिक करता है और हम गूगल से पूछते हैं कि भाई इसका क्या है, क्योंकि अभी हमें सजेशंस मिल गया है ऐसा कीवर्ड जो इजीली हम टारगेट कर सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता था, इसको पिक करना है गाइस। ओके, इसके बाद आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आपको उस कीवर्ड को टाइप करना, सिंपली इसको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं गाइस यहां पर आपको गूगल बताएगा कि ये टॉप 10 पेजेस है जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, हमें ये चेक करना है कि क्या ये टॉप 10 पेजेस वीक है या नहीं है, जिससे हम आइडिया लगा सके कि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी अप्रोक्स क्या होगा और क्या हम इसको टारगेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अभी हम यहां क्या करेंगे गाइस, इसके साथ ही आपको एक और एक्सटेंशन यूज करना है, वो है मौज बार का फ्री क्रोम एक्सटेंशन, जो हमें बताएगा कि ये जो कीवर्ड रैंक हो रहा है उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स है उसका डी और पीए क्या है, जस्ट फॉर गैस पर्पस। वो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है गाइस, और यहां पे एम का आइकन आएगा, उस एम के आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं गाइस ऑटोमेटिकली आपको हर एक वेबसाइट के नीचे उसका डी और पीए दिखाई देगा। तो ये गैस पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि डी ए पी ए मॉस का एक फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर सबसे पहला वीक पॉइंट तो ये है कि यूट्यूब के वीडियोस रैंक हो रहे हैं, मतलब कि आप टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोरा की वेबसाइट, पिंट्रेस्ट के पिंस, इस तरीके की कोई वेबसाइट रैंक हो रही है, मतलब वो वीक कीवर्ड है। अभी यहां पर देख सकते हैं गाइस ये जो साइड है उसका डी ए ऑनली 26 है, इसका 20 है, इसका 29 है, 18 है, 28 है, 27 है, मेरी साइड का डी ए पी ए कहीं ना कहीं 10-15 के आसपास है, तो मेरे कॉम्पिटिटर ही है ये, कोई ऐसी हाई प्रोफाइल वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, तो ये मेरे लिए ईजी हो सकता है। इसके बाद गाइस हम क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज है इनको ओपन करके आप देख सकते हैं कि इनका कंटेंट कैसा है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं गाइस तो आपको इनके कंटेंट का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ये वेबसाइट क्या है। तो आप देख सकते हैं गाइस है थोड़ा सा मतलब ऑन एन एवरेज कंटेंट लिखा हुआ, इतना इंफॉर्मेटिव मुझे लग नहीं रहा है, मैं इसको जब पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा डिटेल मिलेगी। चलिए इसके सेकंड पेज पे जाता हूं और देखते हैं कि सेकंड पेज पे इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या रैंक हो रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं पूरा यूट्यूब है, यूट्यूब है, यहाँ पे इवन amazon.com मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट रैंक हो रही है, और विकीपीडिया है एट द एंड। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वीक कीवर्ड मुझे नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे amazon है, यूट्यूब है, वो ज्यादा कंटेंट है, तो ये कीवर्ड मैं मेरी लिस्ट में ऐड कर दूंगा जिसको मैं टारगेट कर सकता हूं इस पे फर्दर एनालिसिस के बाद में। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे आऊंगा, वापस से कोई दूसरा कीवर्ड निकालूंगा और उस कीवर्ड पे मैं चेक करूंगा कि क्या भाई ये कीवर्ड भी लायक है या नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। जैसे कि चलिए मान लेते हैं कि इसको उठाते हैं, हाउ टू साउंड प्रूफ अ गैरेज, ओके, इसको उठा के गाइस आपको वापस आना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी सैमरस ने सजेशंस दे दिया, अभी आपको एनालिसिस करना है कि कीवर्ड आपको टारगेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर से कीवर्ड को एंटर करने के बाद फिर से मुझे यूट्यूब के वीडियोस मिल रहे हैं गाइज, यहाँ पे वही वेबसाइट सारी 20 और 30 के डीएपीए वाले रैंक हो रही है, मतलब टॉप 10 में मैं जा सकता हूँ, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब।
सेकंड पेज पे आपको वापस जाना है। सेकंड पेज पे वापस से आपको YouTube के वीडियोस दिख रहे हैं गाइस, और यहाँ पर भी ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही है जिनका DAP कहीं ना कहीं 20-30 के आसपास है। थर्ड पे आपको वापस जाना है गाइस, और इस तरीके से आपको एटलीस्ट 2-3 पेजेस चेक करना है। अगर कहीं आपको Pinterest दिखता है, कोरा दिखता है, YouTube के वीडियोस दिखते हैं और टॉप 10 पेजेस को एनालिसिस करना है, तो गाइस उस कीवर्ड को आप पिक कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। आई होप गाइस एक छोटा सा एक ओवरव्यू वीडियो था कि कैसे आप जो 14 डेज का फ्री ट्रायल आपने एक्टिवेट किया है उसके थ्रू आप इस टूल का एडवांटेज उठा सकते हैं, कीवर्ड अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर तरीके हैं कैसे SEMrush की हेल्प से कीवर्ड गैप एनालिसिस, जो इसका बहुत ही एडवांस फीचर है गाइस। अगर आप कीवर्ड गैप एनालिसिस के अंदर जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया कि कैसे कीवर्ड गैप एनालिसिस से आप आपके जितने भी कॉम्पिटिटर है उसके बहुत सारे कीवर्ड विद इन 5 मिनट आप पुल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको मैंने ऑलरेडी सिखा के रखी है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।